अस्सलाम वालेकुम। तो हम लोग आ रहे थे कायनात होटल के पास से, तो कायनात वाले भाई ने हमको देखे, जो भाई का नाम है साबिर भाई ना, नहीं हुसैन भाई, हुसैन भाई बोल ही जाती हुसैन भाई। तो अगले मैंने बेचारा नई होटल की, तो मेरे को बहुत बोले थे आपा अंदर आओ ऊपर चलो होटल में देखो, तो टाइम नहीं मिल पाया था। और अभी भी भाई ने बहुत जिद की है, इमरान हम लोग को खाना खाके जाओ, खाना खाके जाओ या तो चाय तो भी पी के जाओ। अभी भी बहुत टाइम हो गया था, 2:15 बज रहा था और मैं बहुत ज्यादा थक गई थी। और हिजाबी का केक लाके और सना का केक लाके हमने घर रूम में रखे थे, तो हम लोग आ गए। तो भाई ने देखो फिर भी पार्सल जिद से भेज के दिए, देखो ये देख सकते हैं आप लोग, भाई ने अपने बंदे के हाथ से पार्सल भेज के दिए। बोले नहीं आप नहीं खाए, तो मैंने यहाँ पार्सल भेजा, तो हमारे लिए कुछ पार्सल भेजे। हाँ हुसैन भाई ने, हमने ओपन नहीं करे और माशाल्लाह देखो कितना सारा खाना भेजे। और हुसैन भाई बहुत बहुत थैंक यू, अल्लाह आपकी होटल इतनी चलाए और आप लोग के कायनात नाम की इतनी होटल हो जाएगी, वो गिनती करने को अजमेर शरीफ में कम पड़ेगा। और बहुत बहुत जजाकल्ला, और हमेशा भाई बहुत इज्जत करते हैं, और जो कायनात वाले भाई है वो भी बहुत इज्जत करते हैं, और हुसैन भाई भी बहुत इज्जत करते हैं। और अल्लाह पाक ऐसी इनकी कमाई में बरकत दे, और ऐसी हम लोग को सबको ऐसी इज्जत मिलते रहे हमेशा। और अभी हम लोग देखते हैं हुसैन भाई क्या भेजे खाने के लिए, और बहुत बहुत जजाकल्ला। और सब लोग थैंक यू बोल रहे हैं कि थैंक यू, थैंक यू बोलो ना, थैंक यू आपा, थैंक यू पहले भाई हुसैन भाई, हुसैन भाई थैंक यू, तुमको भी थैंक यू, हुसैन भाई को भी थैंक यू। अस्सलाम वालेकुम। सो बहुत टाइम के बाद अपी से वापस से मुलाकात हुई, काफी जगह मेरी मुलाकात हुई उनसे बट मैं मिल नहीं पा रहा था, तो आज अल्हम्दुलिल्लाह अजमेर में मुलाकात हुई है मेरी मरियम अप्पी से, और फाइनली मैं मिल चुका हूँ उनसे, और यहाँ पे बहुत बर्थडे पार्टी होने वाली है। तो ये देखो हम लोग सब केक काटते हैं शामिल, हमारी पूरी फैमिली है, हम लोग काट रहे हैं फैमिली के साथ केक। चलो बर्थडे कर लो, इधर हाथ में उठाओ ना, अस्सलाम वालेकुम। तो आज हम लोग ने हिजाबी और सना का बर्थडे सेलिब्रेट करे, और आप लोगों को पता है ये देखो केक काट काट के बिचारे हल्दी ना भाई कुछ बोल रहे हैं, बोलो भाई। हाँ दोनों केक उसने अपने हाथ से बनाया, तो खाना भी हमको बाहर से लाना पड़ा, तो खाना भी पका ही थोड़ा मत पका अपन बाहर से लाएगा, तो भाई खाना भी हुसैन भाई ने खाना दी। हम लोग निकल रहे एयरपोर्ट के लिए, क्योंकि अभी सुबह सोने के लिए टाइम प्लान करना पड़ेगा, प्लेन का टाइम और क्या है ना, अभी टाइम भी नहीं बचा सोने के लिए, क्योंकि अभी डायरेक्ट फजर पड़ेंगे और ऐसी निकलेंगे, फजर फजर एक नजर और ऐसी निकलेंगे। और मेरे को तो ऐसा लग रहा है कि बम्बई में जैसे हल्दी मेहंदी होती तो जागते नहीं कि थक जाते हैं का भाई, कसम कब से देखते होटल वाले भी आके, हाँ और होटल वाला भी आके बोल रहा है भाईजान को, भाईजान ने पूरा रास्ता खिलाते खिलाते लेके भी गए, लेके भी आए, है कि नहीं। और आपा ने इतना मतलब इतनी बड़ी जगह पे आके हम लोग का बर्थडे हुआ, ये बहुत बड़ी बात। थैंक यू सो मच।